मैनपुरी में सभी प्रधान अपने अपने समर्थकों के साथ गांव-गांव जाकर सभी का धन्यवाद देते हुए नजर आ रहे हैं। हम आपको ऐसी जगह लेकर चल रहे हैं जहां पर इस गांव में कभी भी प्रधान ही नहीं हुआ। 100 साल के बाद जब गांव में प्रधान के रूप में चंद्रप्रभा वर्मा चुनकर आई तो गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। ये पूरा मामला ग्राम पंचायत कुमार न्याय पंचायत शमशेरगंज का है। ये ग्राम पंचायत कभी 14 गांव से मिलकर बनी हुई है और इस गांव की वोटिंग संख्या करीब 5000 है। और आज ग्राम प्रधान प्रति शैलेंद्र कुमार उर्फ नीलू ने जानकारी देते हुए बताया कि हमारे इस ग्राम में पंचायत से उमरहार लठोरगन, नगला फतेह, गोपालपुर, नगला देवी, नगला भगत, कुमहल, हदीरा, गुजरा, रामपुरा, जगदीशपुरा, नगला प्रीतम, मतना, मऊ, करीब 14 गांव इसमें लगते हैं। मुझे जिन लोगों ने ग्राम प्रधान चुनकर यहां भेजा है उन सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूं। इसके अलावा सभी गांव में सबसे पहले विकास कार्य को वरीयता दूंगा। उन्होंने ये भी बताया कि मैं इस ग्राम सभा से पहले भी चुनाव लड़ चुका हूं, जिसमें मात्र 50 वोटों से मुझे हार मिली थी, लेकिन इस बार मुझे 210 वोटों से मेरे प्रतिद्वंदी उर्मिला देवी पत्नी संतोष दिवाकर को हरा कर जीत हासिल हुई है। इस मौके पर सभी गांव में उत्सुकता की वजह से ग्राम निवासी भारी तादाद में आकर प्रधान का स्वागत समारोह में लगे हुए हैं। इस मौके पर डॉक्टर धर्मवीर शाह के गुजरा, सुलेमान शाह के हदीरा, अखिलेश गुजरा, फूल सिंह गुजरा, रमेश पाल नगला भगत, कृपाल कठेरिया, मनमोहन कठेरिया नगला पीतम, रामवीर यादव, पुष्पेंद्र यादव रामपुरा, मानिक चंद जाटव, सुखबीर सिंह गोपालपुर, राजपाल अनुज यादव, तहसीलदार यादव पुराहार, बबलू जाटव नगला देवी, चंद्रमान जाटव, झवी राम जाटव, आनंद राम स्नेही, महिपाल, बाबू सिंह, वेद राम, सत्य प्रकाश, राज बहादुर, जंग बहादुर, पप्पू, मुकेश, राजेंद्र, जोगिंदर, दिगंबर, धर्मेंद्र, चंद्रभान, रामा स्वामी, लाला राम, सत्यवान, ग्राम नगला फतेह निवासी आदि लोगों ने माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। ग्राम प्रधान के सहयोगियों ने तथा क्या कुछ प्रधानपति ने कहा, आइए आपको भी सुनाते हैं। बताइए, आपने जो जीत हासिल की है किस तरीके से, आपको लग कैसा रहा है और क्या कहना चाहेंगे जनता से, आप अपने क्या बात कहना चाहेंगे? जीत है, ये जनता की जीत है और इस मौजी में 14 गांव लगते हैं, कुमौल, नगला फतेह, लठोंगर, उमरहार, गुजरा, हदीरा, नगला भगत, मरना मऊ, रामपुरा, जगदीशपुर, ये 14 गांव लगते हैं। इसमें हमारे विशेषकर मेरी समाज का बहुत योगदान है, जिसमें एकजुट होके चार चार प्रत्याशी मेरे समाज के जाटव समाज से भी थे, लेकिन उन्होंने उनको नकारते हुए हमारे प्रत्याशी को बहुत भारी बहुमत से विजय दिलाई। चंद्रप्रभा वर्मा, वाइफ ऑफ अजय कुमार वर्मा। तो कैसा लग रहा है आज आपको? अच्छा लग रहा है, मेहनत का फल है, जनता की जीत है। यहाँ इस गांव में क्या बार प्रधानी आ चुकी प्रथम है? बार मेरे गांव जगदीशपुर में प्रथम बार प्रधानी आई। इससे पहले हम चुनाव 2015 में मेरे पिता सेकंड नंबर पे रहे थे, 50 वोटों से हार गए थे। इस बार उसका बदला सामान्य से 80 सीट से चुनाव हम विजयी हुए हैं। प्रतिद्वंदी उर्मिला दिवाकर को 191 वोट से 93 वोट से हराया। ये क्या क्या आप कैसे कैसे विकास करेंगे, क्या मुद्दे रहे आपके जीत के? जीत के मुद्दे हैं उनके, जो उन्होंने आज तक 5 साल के अंदर कोई विकास नाम का कोई कार्य ही नहीं कराया, चाहे कॉलोनी का हो या सड़कों का हो, नाली हो, नल हो, कुछ नहीं कराया, केवल कागजों में ही कार्य हुआ। आप सबसे पहले किस मुद्दे को सबसे पहले वरीयता देंगे, किस कार्य को? सबसे पहले गांव की सड़कें, पानी, स्वच्छ पानी, शिक्षा, चिकित्सा, इसका ही सबसे पहले योगदान रहेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है शैलेंद्र कुमार। ये क्या कहना चाहते हो? अरे हमारे सामने, हाँ बताइए। हमारे बड़े भाई साहब है, 2 बार इलेक्शन लड़े हैं और बड़े जुझारू और कर्मठ जुझारू हिसाब से लड़े हुए, लेकिन अब की बार पब्लिक ने बब्बर इनकी जीत की है और ये बड़े धूमधाम, बड़े मौजे के अंदर, बड़े 2-4 मौजे के अंदर बड़ी बहुमत से जीत के आई है और बड़ा अच्छा स्वागत किया गया इनका और बड़े अच्छे कारनामे, बड़े ईमानदारी के साथ ही शासन प्रशासन चलाएंगे। हम लोगों ने ऐसी पूरी कामना करता हूँ और अच्छे व्यवहार से। तो
क्या उम्मीद है आपको, क्या चाहते हैं आप प्रधान से, कैसी उम्मीद है? उम्मीद यही चाहते हैं अपना विकास हो, अपने मौजे का विकास हो, अपने भविष्य में जो लोगों की जो कमियां आए हैं, जो अभी तक लोग दबी कुचले थे, वो मतलब स्वतंत्र हो या मतलब ऊपर बाहर निकल के आए, अच्छा विकास हो, लोगों को सम्मान मिले बराबर बराबरी। पहले पक्षपात होता था, कई जो गाँव में गाली मेरे अभी यहाँ गाली गली से ईंटें उठा ली गई हैं, विकास की तम पर उठा ली गई कि इन्होंने वोट इधर दिए नहीं, उन प्रधान मौजूदा प्रधान ने ईंटें उठा ली गई हैं। तो मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ, ऐसे ही कामना करता हूँ कि ये हमारे 12 नगर आए तो 12 नगरों में समान रूप से व्यवहार करेंगे, समान रूप से विकास करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद कुमार है। किस गाँव से? रामपुरा से। बताइए। हमारे छोटे भाई हैं शैलेंद्र कुमार और फंदूरी, और ये भारी बहुमत से विजयी हुए हैं और जनता ने इन्हें बड़ी अभिलाषा से चुना है। उम्मीद करता हूँ कि ये बहुत अच्छा कार्य करेंगे, समस्त मौजे का विकास करेंगे। कैसे लग रहा तुमको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। क्यों खुशी हो रही है? खुशी हो रही है इसलिए कि अब मेरे मौजे का चौमुखी विकास होगा। वोट किसे दिया तुमने? वोट तो मैंने अपने छोटे भाई को दिया। सच बोल रहे हो? सच बोल रहा हूँ। कि प्रधान हो गए इसलिए बोल रहे? नहीं नहीं ऐसी बात नहीं। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम राजेश कुमार। किस गांव से हो? जगदीशपुर से।